हाउ आर यू माय फेलोज, इट्स योर बॉय नॉट सो चैटी इन, और स्वागत है आप लोगों का इंडियन गेमर रैंट्स के चौथे एपिसोड में 3 महीने बाद। ये तो इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे पास एक छोटी सी गुजारिश है आप सबके लिए कि मेरा जो दोस्त है रोहन बैसाक करके, उसको प्लीज मेरी तरफ से भी नहीं, उसको जाके फालतू में मैसेज कीजिएगा। यार एक सब्सक्राइबर है मेरा, उसने जाके उसको मैसेज कर दिया जब मैं बहुत मुश्किल में था और मैं सोच रहा था कि भाई यूट्यूब क्विट कर दूं मैं, ठीक है। थोड़ी उसकी वजह से लड़ाई होगी, उसको थोड़ा समझाना पड़ा, अभी बात जैसे तैसे थोड़ी ठीक हो चुकी है, तो प्लीज मत कीजिएगा ऐसा। बेचारा उसके पास और भी काम होता है यार, वहां तुम्हें मेरे पे गुस्सा निकालेगा तो मैं तुम लोग पे गुस्सा निकालूंगा, ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है। खैर मेन मुद्दे पे आते हैं। आज मैं दोबारा उस पड़ोसन यूट्यूबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको मैंने अपनी पिछली वाली एपिसोड में थोड़ा सा मेंशन किया था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मेंशन किया था, ठीक है। ये रही उसकी क्लिप। मैं इसमें रोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक यूट्यूबर है जो मेरी तरह नया स्टार्ट किया, उसने उसका नाम है युक्ता शर्मा और वो मेरी कॉलोनी में रहती है, और वो उसने अपनी एक वीडियो में, वो जब घर से बाहर निकलना मना है, अगर ज़रूरी काम है तभी निकलो वाला सिचुएशन है, तो वो बाहर गई और उसने एक डांस वीडियो बनाई। अब उसका चैनल कुछ खास तो ऐसा दिखता है नहीं और ना ही उसके कंटेंट में तो दम है, लेकिन उसने घर के बाहर जो डांस वाली वीडियो रिकॉर्ड की ना, मैं सही में बताना चाहता हूँ, इट वॉज सीरियसली एन एक्ट ऑफ प्योर स्टूपिडिटी। ऐसे काम टिकटॉक वाले कर रहे हैं और उनको पुलिस खदेड़ रही है, और युक्ता शर्मा टिकटॉकर नहीं है, और उसने हरकत टिकटॉकर्स वाली की है, तो है बहुत स्टूपिड हरकत है। उस वीडियो पे मुझे जो सबसे बढ़िया वाला रिस्पॉन्स आया ना जय ठाकुर के द्वारा, फैन ऑफ युक्ता शर्मा, मेंबर ऑफ युक्ता शर्मा फैन क्लब, उसे आए भी एक साल भी नहीं हुआ है और फैन क्लब बन गया, हुआ ब्रावो ब्रावो भाई, युक्ता क्वीन शर्मा तुम्हारा फैन क्लब बन चुका है भाई, यू आर ऑसम। और पता है मेरे बारे में क्या लिखता है, नहीं एक बार में लिख देना चाहिए ना कि मैंने गलत हूं, नहीं भाई 6-7 बार स्पैम कर दिया मेरे को, आई एम अ डूशबैग, गेट अ लाइफ, योर वीडियो सक, और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई, एंड यू आर टू चैटी फॉर समवन हुज अकाउंट नेम इज नॉट सो चैटी। अब थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही है मुझे इन लोग की, भाई कहां से आ रहे हैं लोग। और यही पे इसकी बकचोदी खत्म नहीं हुई जय ठाकुर की, नहीं भाई इसने अपने दो और दोस्त बुला लिए, 3 dislikes दे दिए क्योंकि मैंने युक्ता शर्मा के बारे में गलत कहा भाई, इनको हर्ट हो गया, दे फेल्ट बैड फॉर युक्ता शर्मा, एंड इफ दे थॉट दैट आई वाज गोना स्टॉप देयर, बिग मिस्टेक, नाउ नॉट गोना स्टॉप, इट्स टाइम आई मेक एन ओपन क्रिटिसिज्म ऑन आवर एंटायर चैनल and some more of a, you know, awesome content. So come on yaar, let's do the thing I was waiting for 3 months. Come on yaar, let's get started real quick. Sabse pehle to bhai gaur farmaiye mohtarma ke channel pe bhai, bas ek DP laga di, नाम रख लिया युक्ता शर्मा, अबाउट सेक्शन में अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया एज अ सेल्फ टॉट डांसर वॉकिंग थ्रू द वर्ल्ड वन स्टेप एट अ टाइम भाई, बैनर कुछ नहीं है भाई, कोई चैनल ट्रेलर नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है कुछ नहीं है भाई, आ गए भाई फेसबुक से उठ के भाई सीधा यूट्यूब पे भाई, क्या बात है। मेरे को अपना चैनल बनाने में भाई इतने सारी ट्यूटोरियल वीडियो देखी मैंने, कैसे बैनर बनाना है,
अपने चैनल को ऑर्गेनाइज करना है भाई, तब जाके मैंने अपना चैनल बनाया भाई। और इसने भाई कुछ नहीं भाई, आगे उठ के फेसबुक से एक फेसबुक पेज के समान लग रहा है मुझे इसका यूट्यूब चैनल भाई। और इसको मिल गए भाई 112 सब्सक्राइबर्स भाई, सब इसकी ऑडियंस भी फेसबुक से है भाई। इसको अपने बढ़ाने भाई फॉलोअर्स, इंस्टा पे भी फेसबुक पे भी भाई बढ़ाने इसको। ये बनेगी भाई यूट्यूबर भाई, कमाल कमाल है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस प्रेजेंटेशन भाई। ऐसा होना चाहिए यूट्यूबर, एक प्रोफेशनल यूट्यूबर का भाई चैनल भाई, ऐसा होना चाहिए भाई। अगर कोई कह देगा ना भाई मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मैं बोल दूंगा भाई युक्ता शर्मा ही मेरी फेवरेट यूट्यूबर भाई। एक बार देखो उसका चैनल यार, माशाल्लाह आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी भाई। खैर अब इसकी वीडियो पे आते हैं। वेयर पी शैल गो डाउन हर लेन ऑफ मोस्ट पॉपुलर वीडियोस फर्स्ट। और मैं सारे पॉपुलर वीडियोस के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं कुछ गिने चुने करूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत लंबी नहीं करने वाला और तुम लोग को बोर नहीं करने वाला मैं, ठीक है। सबसे पहले आता है चलो चले बाय रितवेज, डांस कवर युक्ता शर्मा। चलो चलते हैं। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो, जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात है फिर भी चीख चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे छिप डर रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल इन फिजाओं में। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। अब इसने अपने दोस्त के हाथ में अपना फोन थमा दिया और मस्त पोर्ट्रेट मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर रही है यार। ऑसम यार, ओपी भाई, यही तो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स से एक्सपेक्ट करूंगा मैं। ऐसे ही तो रिकॉर्ड करना चाहिए सबको। मैं पता है मैं इसको यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ, ये मेरी एक छोटी सी टिप है भाई, तुम्हें ही फायदा होगा। एक सेल्फी स्टिक खरीदो, उसे अपने दोस्त के हाथ में थमा दो, उसमें लैंडस्केप मोड पे भी रिकॉर्ड करो फोन, अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं यार, प्रोफेशनल दिखना है ना हमें, हमें तो प्रोफेशनल दिखना है भाई। पोर्ट्रेट मोड इज फॉर प्रोफेशनल लोग यार, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए तुम लोगों को भाई। युक्ता शर्मा से इंस्पिरेशन लो भाई। और जो उसने ट्वर्क करने की बहुत गंदी कोशिश की है ना भाई, शरीर में लचीलापन ही नहीं है यार, ट्वर्क तो दूर भाई, ये तो योगा भी नहीं कर पाएगी। इसके माँ बाप ने भी इसको कहा होगा भाई कि बेटा तुम घर पे बैठे बैठे ऐसे पड़े रहोगे ना तो जंग लग जाएगा शरीर पे, इसलिए थोड़ा ना एक्सरसाइज किया करो। लेकिन ये अपने मन की मालिक नहीं किया भाई, अब भुगतो भाई। और जो इसने छत पे आके जो वीडियो रिकॉर्ड किए ना, मस्त भाई, नीला आकाश, थोड़ी बहुत चिड़िया, दूर से पेड़ भाई। मैंने कुछ लोगों को देखा है छत पे अपनी डांस वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भाई, कभी कभी बारिश हो रहा होता है, फॉग हो रहा होता है, मस्त भाई। इसने पता है क्या किया है, इसने एक और चीज अपने बैकग्राउंड में एड ऑन किए, दिल्ली मेट्रो भाई। दिल्ली मेट्रो से इतना प्यार है इसको भाई, बिना दिल्ली मेट्रो के ये कॉलेज थोड़ा जा पाएगी भाई। दिल्ली मेट्रो हेल्प्स एवरी डे यार, अगर उसको ऑटो नहीं मिलता तो मेट्रो ही भाई, मेट्रो ने इसकी जान बचाई है कितने बार भाई। दिल्ली मेट्रो को सपोर्ट दिखाने के लिए भाई ऐसा लोकेशन चुना है यार, क्या बात है भाई, हैट्स ऑफ टू हर भाई, हैट्स ऑफ टू हर। खैर भाई इसकी अगली वीडियो पे चलते हैं जिसका नाम है घुंगरू वॉर डांस कर भाई युक्ता शर्मा। और एक मिनट, ओ भाई क्या कर दिया मैंने ओ भाई क्या कर दिया मैंने भाई, कहाँ पे आके रोक दिया मैंने भाई, दैट स्माइल ऑन अ फेस ओ थंबनेल का जुगाड़ हो गया भाई। डाइग्रेस पे करना है इनसे। चलो भाई इसको भी चलाते हैं। मुझे लगता है वीडियो बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था क्योंकि इन मोहतरमा ने बैकग्राउंड वॉल्यूम को जीरो बिल्कुल नहीं किया भाई, मस्त जूते चप्पल और चुटकी बजाने की आवाज आ रही है। और एक बात बताओ यहाँ पे ये मल्टी टैलेंटेड करने का क्या मतलब है भाई, ये मल्टीटास्किंग करने की क्या जरूरत है यहाँ पे है,
नाचते हुए लिप सिंक कर रही है भाई। या पहले एक बार डिसाइड कर लिया करो वीडियो बनाने से पहले कि म्यूजिक वीडियो बना रहे हो कि डांस वीडियो बना रहे हो। बहुत खराब लग रहा है, नहीं सही में बहुत खराब है। ऐसी चीजें यूट्यूब पर नहीं चलनी चाहिए, देख के बहुत बुरा लगता है मुझे। खैर अब चलते हैं इसके तीसरे और आखिरी पॉपुलर वीडियो पे जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हेडविग्स थीम डांस कवर हैरी पॉटर, योगता शर्मा कोरियोग्राफी। भाई अब हेडविग्स थीम तुमने सुना ही होगा अगर तुम एक हैरी पॉटर फैन हो, मैं तो नहीं हूँ। खैर ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। भाई अब ये मैडम वोकल म्यूजिक पे तो इसने काफी डांस कवर दे दिया, अब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बारी है भाई साहब। क्या दिन आ गए यार। खैर कोई नहीं, एक बार चला के देख लेते हैं। मेरा काम था इसे क्रिटिसाइज करना, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देख के ना मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो गया हूँ। ठीक है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी किसी रैंडम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को उठा के ना उस पर अपना शरीर मटका लूँ भाई। एक बार प्लीज एक बार कोशिश करते हैं भाई, कम ऑन लेट्स डू इट। अब जाके लग रहा है थोड़ा सा रिफ्रेशिंग, तो पता है इसी बात पे क्या करते हैं, इसके आखिरी वीडियो चलाते हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। दिल को छू गया था जब मैंने वो वीडियो देखी थी पहली बार, दिल छू गया था मेरा। और मैंने इतना अच्छा कमेंट लिखा था, इसने ना उसको सेंसर कर दिया। बहुत बुरा लगा उसके बाद मुझे। उस पापी वीडियो का नाम है जीत बाय रिट्वेज, डिस्टेंस बाय क्वारंटीन, क्लोजर बाय डांस। भाई एक बार चलाते हैं इसको अभी इसी वक्त भाई, बिना चलाए भी मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाला। इन पांच लोगों के नाम को ना अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं किसी दिन लापता हो गया ना, मेरी अगली वीडियो नहीं आई, तो भाई समझ जाना भाई इन्हीं पांचों का हाथ होगा उसमें। तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। बहनचोद दिमाग खराब कर दिया मेरा ये बहनचोद, मजाक चल रहा है पे या डांस वीडियो चल रहे है? ऐसे हाथ हिला के एक्सरसाइज कर रही है ये भूसड़ी वाली। नहीं यार सही में यार दिमाग खराब कर दिया क्वारंटीन ने इस साल। ठीक है कुछ लोगों का तो भाई घर बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा है, मेरा इन लोगों को देख के दिमाग खराब हो रहा है यार। कोई मदद करो इनके यार, प्लीज डॉक्टर बुलाओ इन लोगों के लिए। यही वो गलती जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। ठीक है मैंने शुरुआत में बताया था भाई, मैंने इसकी ये वाली वीडियो थी उसमें ये गलती थी, यही वो गलती। ठीक है उसको लेके मैंने कमेंट किया, तो कहानी बताता हूँ अभी इसकी क्या है। ठीक है मैंने ये वाली गलती देखी इसकी वीडियो पे, मैंने इसको कमेंट किया भाई कि आप टाइम स्टैम्प लगा के कि भाई आपकी वीडियो में ये गलती है भाई, कृपया करके ना आगे की ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है दो तीन दिन तक तो इसने मेरा कमेंट डिलीट किया, फिर एक दिन क्या किया मेरे को सेंसर कर दिया। तो अगर मैं इसके वीडियो पे कुछ कमेंट करूंगा ना वो कभी नहीं दिखेगा आप लोग को। ठीक है सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखेगा, ये आपको करके दिखा देता हूँ मैं। हेलो या हेलो आर वी रोलिंग या वी आर डेफिनेटली रोलिंग, सो हियर वी गो, हियर इज माय कमेंट। आई गेस आद्या हैज सम प्रॉब्लम फाइंडिंग अ गुड लोकेशन, टाइम स्टैम्प 43 seconds,
All that fog behind her has blurred her face. Laughing face, laughing face, laughing face. You know why? Because it's pathetic. It's absolutely pathetic that she has been deleting my comments and now she has the audacity to censor me like I'm a bad guy. Let me show you how. You know, I sorted this comment section by newest first and here it is, 7 comments. Let's see if my turns up. Let me just switch my account. See, it's missing. You're exposed, Yukta Sharma. You're clearly exposed, Yukta Sharma. You know what? Fuck you. Fuck you, bitch. You are a thin-skinned piece of shit. Maybe you should leave YouTube now. Because it's not for people like you. If you can't take criticism and treat us as haters, then this platform is not for you. Okay? Fuck off now. Isn't it lamentable? इनको भाई पहले वीडियो बनानी है, उसमें डांस भी करना है, फिर उसके बाद फेमस भी होना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं इंस्टा पे यार। लेकिन पता है कहाँ पे गड़बड़ होती है? ये लोग प्लान ही नहीं करते हैं, ये लोग लोकेशन प्लान करना नहीं जानते भाई, खासकर आद्या। ठीक है, एक लड़की अपने कमरे में, एक लड़की दरवाजे के पास, ये आयुष शुक्ला भाई इनके साथ क्यों फंस गया मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। सही आदमी है भाई, काम की बात करता है, इसका भी यूट्यूब चैनल है भाई, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। ठीक है, यह बंदा सही है भाई, लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं ना भाई। सही कहा है किसी ने, दोस्ती ना अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है। ठीक है, तो यही है भाई, लोकेशन प्लान नहीं किया आद्या ने एकदम भाई, मस्त फॉग दिख रहा है मेरा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इन ये फॉग है इसको अब इग्नोर मार सकते हैं भाई, मार के दिखा दो भाई, मान जाऊंगा तुम लोग को बहन। चलो, ये लोग मजाक चल रहा है इन लोगों के लिए भाई। अब अगर इन लोगों ने क्रिटिसिज्म देख लिया ना भाई, इनकी फट जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। पता नहीं इनका रिएक्शन क्या होगा, शायद ये लोग अपने ऑडियंस को भेज देंगे भाई पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, और उसका मतलब है भाई मेरे को डिसलाइक्स देना, हेट देना, थ्रेटन करना। ठीक है, तो इसलिए भैया कुछ भी करो, प्लानिंग जरूरी है, कुछ भी करना है प्लानिंग जरूरी है। वीडियो बनाने से पहले प्लानिंग करना है, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाओ। ठीक है, पोकेमॉन गो खेलना है भाई, प्लानिंग करो भाई। गलत, बहुत गलत। और कुछ भी करना है ना, प्लानिंग जरूरी है भाई, वरना लोग तुम्हारा ऐसे मजाक उड़ाएंगे और तुम लोग बुरा मान जाओगे, फिर तुम लोग सेंसर कर दोगे भाई। यही तो है, मुझे लगा था यार फ्लॉस करने का ट्रेंड 2019 में ख़त्म हो गया है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट बीइंग केप्ट अलाइव बाय युक्ता शर्मा। और जो ताने डांस के नाम पे डैब 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 किए जा रही है ना भाई, मुझे लगता है ना ये दोनों अब हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अफसोस, दोनों युक्ता शर्मा और तान्या श्रीवास्तव हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अब इस युक्ता शर्मा की बकचोदी यहीं पे आके ख़त्म नहीं होती है ना। मैं जब YouTube सर्च रिजल्ट्स में थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे इसका पुराना चैनल मिला, जिसका नाम भाई तुम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम भी वही सेम, युक्ता शर्मा। उसमें से एक वीडियो है जिसमें ये हमें इजी चीजी पास्ता बनाना सिखाती है, और मैं वो वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं करने वाला क्योंकि मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब करके रखी है वो ये लड़की, तो मैं बस तुम लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसमें ये लड़की स्पैनिश में हमें सिखाती है कि कैसे बनाए इजी चीजी पास्ता घर पे, सही में स्पैनिश में। मैं पता है इस पे क्या रिएक्शन है मेरा जब मैंने वो वीडियो पहले देखी, सुनो यहाँ से। ठीक है, हमारे देश की आधी जनता को ना ढंग से इंग्लिश बोलना नहीं आती, स्पैनिश तो दूर की बात है। ये इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये किसको टारगेट करना चाहती है, कौन देखेगा ऐसी वीडियो भाई। मैं तो समझ नहीं आ रहा बहुत सारी चीज़, ठीक है मेरे को थोड़ा बहुत स्पैनिश आता है भाई, तुम लोग का नहीं पता भाई, तुम लोग कितना समझोगे।
विजुअली समझ जाना। मैं ना उसका लिंक यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्या बोले जा रहा हूँ यार, मेरी जबान फिसल रही है। तो मैं कह रहा था कि मैं उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, और अगर गलती से भी वो चैनल डिलीट हो गया ना, समझ जाना भाई, ये लड़की डर चुकी है मेरे से। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो या तो यार लाइक मार देना भाई, सीरियसली यार लाइक मार देना यार। तुम लोग यार बहुत समय से मेरे को धोखा दे रहे हो यार, बहुत बुरा लगता है, दिल में चोट लगता है यार। अगर तुम मेरे को लाइक नहीं मारते तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में किसी ने खंजर मार दिया यार। मेरे 50 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं कुछ वीडियोज पर, लेकिन 20 से भी ऊपर लाइक नहीं आया। ऐसा मत करो यार, धोखा मत दो यार प्लीज। और जाते जाते मैं ना एक दूसरी युक्ता शर्मा के बारे में तुम लोग को मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये रही उसका चैनल, मैंने क्या कैसे बताऊँ मैं तुम लोगों को भाई, इसकी जो पुरानी वीडियो है एक तुम लोग को दिख रहा होगा जिसमें 500 करके कुछ व्यूज है, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया था गुस्सा प्लस मिला के। तो इसके और इसके दोस्त और मेरे बीच लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है मामला। वी बोट कूल इसकी नई वीडियो आ चुकी है जिसमें इसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, वन स्टेप एट अ टाइम, गुड जॉब। और यार बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब भी कर देना यार, ताकि तुम लोग को ना ऐसी बेहतरीन तुम्हें ऐसी बेहतरीन कंटेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ, वैसे 6 बज चुका है, पता नहीं मेरे को रात का खाना कब मिलेगा, ठीक है, बाय।